Hello friends, this is our last tutorial in a Tic-Tac-Toe game development in C++ language. So friends, हम लोग ने देखा कि Tic-Tac-Toe game C++ पे कैसे बन रहा है. इस tutorial में हम लोग ये देखेंगे, run करा के check करेंगे कि हमारा code काम कर रहा है कि नहीं and output देखेंगे. तो आप लोग इस code को देख सकते हैं फिर से. स्टार्टिंग में हम लोग ने क्या करा था, C++ के लिए iostream.h लाइब्रेरी होती है जिसका हम लोग ने यूज करा था. मेन फंक्शन कॉल करा था जिसका रिटर्न टाइप इंट था एंड लास्ट में आप देख रहे हैं हमने रिटर्न जीरो कर दिया है. उसके बाद हम लोग ने दो वेरिएबल i और line लिया था जिसको हम लोग ने लूप के अंदर यूज करा था. प्लेयर एंड विनर टू अदर वेरिएबल हैं जिनको हमने प्लेयर नंबर स्टोर करने के लिए यूज करा है एंड विनर फाइंड करने के लिए यूज करा है. रो एंड कॉलम ये दो वेरिएबल हैं रो के लिए रो इंडेक्स को नोट करने के लिए, कॉलम कॉलम इंडेक्स को नोट करने के लिए. चॉइस आपकी यूजर गिवन इनपुट को नोट करने के लिए. यहाँ पे हमने टू डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करी है जिसको इनिशियलाइज करा है 1 से 9 तक. इसका यूज हम लोग बोर्ड को प्रिंट करने में करेंगे जो कि आपका हमको टिक-टैक-टो का लुक देगा. ये मेन गेम लूप है आपका. इसमें सबसे पहले हम लोग ने क्या करा है, टिक-टैक-टो के बोर्ड को डिस्प्ले करा है. देन हमने प्लेयर फाइंड करा है. प्लेयर फाइंड हमने आपको बताया था ये टर्न से हो जाएगा कि अगर फर्स्ट टर्न है इसका मतलब आपका कौन सा फर्स्ट प्लेयर है. इवन टर्न है तो आपका फर्स्ट प्लेयर है, ऑड टर्न है तो आपका सेकेंड प्लेयर है. इवन टर्न है फर्स्ट प्लेयर है इसलिए क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है हमारा लूप. उसके बाद हमने एक डू वाइल लूप लगाया है. डू वाइल लूप का हमारा मेन काम यह है यूजर से इनपुट लेना, उसके बाद चेक करना कि वो इनपुट वैलिड इनपुट है कि नहीं. जब हमने यूजर से इनपुट लिया है तो हमने एक यूजर के लिए एक मैसेज प्रिंट करा है, प्लेयर प्लीज इंटर अ वैलिड नंबर फॉर वेयर यू वॉन्ट टू प्लेस योर च्वाइस. अब इसकी च्वाइस क्या है यूजर की, वो क्या प्लेस करेगा, एक्स प्लेस करेगा या कैपिटल ओ प्लेस करेगा. अब एक्स प्लेस करता है या कैपिटल ओ प्लेस करता है ये कैसे फाइंड करेंगे हम लोग. अगर प्लेयर वन है तो एक्स प्लेस करेगा, अगर प्लेयर टू है तो कैपिटल ओ प्लेस करेगा. तो जो भी प्लेयर होगा उसके हिसाब से एस वन की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी. उसके बाद यहाँ पे यूजर ने इंटर करा है नंबर जिसको हमने च्वाइस में सेव कर लिया है. उसके बाद हमने बताया था अगर हमको रो का इंडेक्स फाइंड करना है तो च्वाइस को 1 लेस करके उसमें से 3 से डिवाइड करके जो भी क्वेश्चन आएगा उसको रो वेरिएबल में सेव करना है. सेकंड केस है हमारा कॉलम का इंडेक्स फाइंड करने के लिए. हमारी चॉइस की वैल्यू एक कम हो चुकी है, अब उसको 3 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आ रहा है कॉलम में सेव कर लिया है हमने. ये हमारी वाइल कंडीशन है जो कि हमको बता रही है कि जो यूजर ने इनपुट दिया है वो वैलिड इनपुट है कि नहीं. वैलिड इनपुट का पैरामीटर हमारा देखने का ये है कि अगर हमारा इनपुट 0 से 8 के बीच में है तो वो वैलिड है, अगर 0 से कम है तो इनवैलिड हो जाएगा, 8 से ज्यादा होगा तो इनवैलिड हो जाएगा, या जो इनपुट पहले ही हो चुका है उसको वो इनपुट होगा तो इनवैलिड हो जाएगा. अगर इन तीनों में से कोई भी इनपुट होगा 0 से कम होगा, 8 से ज्यादा होगा या पहले ही इनपुट हो चुका है वो इनपुट होगा तो हमारा वाइल फिर से चलेगा लूप और फिर से यूजर से बोलेगा आप इंटर करिए नंबर. अब हमारे पास काम क्या है, अब हमारे पास काम है जो इनपुट आया है एक्स आया है या कैपिटल ओ आया है उसको हम लोग उस पोजीशन पे इंटर कर देंगे. तो पोजीशन इंडेक्स होगा रो और कॉलम के पास. रो और कॉलम के पास इंडेक्स है, बोर्ड एरे का नाम है. यहाँ पे हमने चेक करा प्लेयर वन की टर्न है तो कैपिटल एक्स इंटर करना है, प्लेयर वन की टर्न नहीं है तो कैपिटल ओ इंटर करना है. उसके बाद आया हमको विनिंग कंडीशन चेक करना है. हमारा काम हो गया, हमने इनपुट कर दिया, अब हमको ये चेक करना है कि कौन प्लेयर जीत रहा है कौन प्लेयर नहीं जीत पा रहा है. ये कौन बताएगा, ये हमको विनिंग कंडीशन बताएगी. और विनिंग कंडीशन के लिए हमारे पास 8 कंडीशंस टोटल होती हैं, 3 कॉलम्स 3 रोज एंड 2 डायगोनल्स. सो वी
फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का पहला अप्रोच होगा दो डायगनल को चेक करने के लिए। दो डायगनल का हमने इंडेक्स लिख दिया है, उसके बाद एक हमने क्या और कंडीशन लिखी है डायगनल वन के लिए, डायगनल टू के लिए बीच में और लगा दिया है। और डायगनल वन और डायगनल टू को चेक करने का हमारा मेथड क्या है कि कोई एक एलिमेंट ले लेंगे डायगनल का और दोनों एलिमेंट जो बचे हुए हैं उनसे कंपेयर कर देंगे। अगर तीनों सेम है तो सेम है तो विनर में हम लोग प्लेयर डाल देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो else में जाएंगे, एक हम लूप चलाएंगे, लूप की वैल्यू 0 से 2 तक चलेगी। और उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहली बार जब लूप चलेगा तो हमारा क्या करेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को चेक करेगा, दूसरी बार चलेगा तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को, और तीसरी बार लूप चलेगा तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को चेक करेगा। अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सही हो रही है तो विनर में प्लेयर आ जाएगा। एंड अब प्लेयर विनर में आ गया है, विनर के अंदर प्लेयर की वैल्यू या वन या टू आई है, तो अब क्या करेगा, जो आपका मेन लूप था उसकी कंडीशन को ये फॉल्स कर देगा। मेन लूप की कंडीशन विनर की वैल्यू जीरो होनी चाहिए तभी मेन लूप एग्जीक्यूट करेगा, उसको फॉल्स करेगा। इसका मतलब आपका बोर्ड दोबारा प्रिंट नहीं होगा। पर अब हमको क्या करना है, बोर्ड को हमको दोबारा प्रिंट कराना है, इसलिए एक बार हमने बोर्ड को प्रिंट करा दिया है। तो अब हमको फाइनल आउटपुट जो आपका प्लेयर होगा उसको दिख रहा होगा कि हम जीत रहे हैं कि ये हमारा फ्रेंड जीत रहा है। तो अब आपको क्या करना है, लास्ट केस में विनर का नाम आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ प्रिंट करना है, अगर ड्रॉ होता है तो ड्रॉ प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम लोग ने एक इफ एल्स कंडीशन का यूज कर लिया है। तो ये हमारा कंप्लीट गेम है टिक टैक टो का C++ लैंग्वेज में। आप इसको सी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको जो हेडर फाइल है वो stdio.h लगाना है, एंड जो आपने सी आउट यूज करा है उसके अगर आपको प्रिंट एफ यूज करना है, सी इन के अगर स्कैन एफ यूज करना है। सो गाइस, योर सपोर्ट इज इमेंस। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपने पूरा ट्यूटोरियल कंप्लीट करा है। अब हम आपको आउटपुट दिखा देते हैं। ये हमारा देव एडिटर है, इस पे हम आपको आउटपुट दिखा देते हैं। यहाँ पे एक हमने एक्स्ट्रा स्टेटमेंट यूज करा है, सिस्टम कलर 4E। ये क्या करता है, आपका आउटपुट का कलर देव एडिटर के लिए चेंज करता है। तो हम आपका इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो ये आपका गेम आ गया, जैसे हमने फर्स्ट इंटर करा वन तो एक्स आ गया, टू थ्री एट फाइव नाइन। तो यहां हमको क्या दिख रहा है, Congratulations, player 2, you are winner. Player 2 इस मैच को जीत चुका है, ठीक। तो आपको एक congratulations प्रिंट होके मिलेगा। अब अगर आपको C++ के कोड्स देव एडिटर पे रन कराने हैं तो आपको दो फाइल ऐड करनी पड़ेंगी, iostream.h हेडर फाइल एंड fstream.h। ये दो हेडर फाइल आपको, ये दो हेडर फाइल आपको ऐड करनी पड़ेंगी अगर आपको C++ के प्रोग्राम अपने देव एडिटर पर रन कराना है। अगर आप यही सेम प्रोग्राम टर्बो एडिटर पर रन कराते हैं तो आपको कोई भी फाइल ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत सपोर्ट, आपने पूरा वीडियो ट्यूटोरियल कंप्लीट करा, बहुत बड़ी बात है। मे बी आप कुछ नया सीखे होंगे, प्लीज कमेंट मी व्हाट यू लर्न अबाउट दैट ट्यूटोरियल, एंड please suggest me which topic you want to be learned in our next video tutorials. Thank you friends.